ओम नमः शिवाय। मौनी अमावस्या, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मौनी अमावस्या के बारे में। अमावस्या प्रत्येक महीने में आती है, लेकिन वैसे तो कुछ अमावस्या बहुत ही खास होती है, बहुत ही विशेष होती है। मौनी अमावस्या जो होती है वर्ष की बहुत बड़े अमावस्या में से एक है, इसे माघी अमावस्या भी कहते हैं। तो मौनी अमावस्या के दिन पूजा कैसे करें, माघी अमावस्या पूजा कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। सनातन धर्म में माघ के महीने को महात्माओं का महीना माना जाता है, क्योंकि बहुत ही क्योंकि माघ महीना वो बहुत ही पवित्र और पुण्य देने वाला है। यह जो कि महीना पितृदेवों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उत्तम होता है। शास्त्रों के अनुसार इसी महीने से द्वापर युग का आरंभ भी माना जाता है। मुनि ऋषि का जन्म भी इसी दिन होने के कारण भी इसका जो मौनी अमावस्या का नाम इस दिन का पड़ गया है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता महालक्ष्मी की का पूजन करना चाहिए और साथ में ब्रह्मदेव और गायत्री माता का भी इस दिन पूजन किया जाता है। पीपल के वृक्ष की भी इस दिन पूजा करनी चाहिए और हो सके तो 108 परिक्रमा और पीपल को सींचना चाहिए। अगर 108 परिक्रमा नहीं कर सकते तो अपने सामर्थ्य के अनुसार परिक्रमा आप कर सकते हैं, 3, 7, 5 जो आपका सामर्थ्य है उस अनुसार आप परिक्रमा कर सकते हैं। और पीपल की पूजा करना, उसको सींचना बहुत ही कल्याणकारी होता है। पीपल अगर आपके पास में नहीं है तो आप तुलसी जी की पूजा भी विधिवत कर सकते हैं। जैसे पीपल की परिक्रमा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, आप ऐसे भी तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, हवन करें इस दिन, खीर अवश्य बनाएं, मंत्र जाप करें, दीप दान करें। और इस दिन विशेष रूप से मौन रहना होता है, जैसा कि मौनी अमावस्या नाम से ही विख्यात है, नाम से ही हमें पता चल जाता है। और इस दिन हमें मौन रहना चाहिए, दान करना चाहिए, तिल का दान भी इस दिन अवश्य करें। इस प्रकार से इस तरह से हमें मौनी अमावस्या का जो पूजा है वो इस तरीके से करनी चाहिए। इसका विशेष